नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी एवं पॉजिटिव। आज आप देख रहे हैं APS मॉडर्न पब्लिक स्कूल जो कि पर्वतीय कॉलोनी फरीदाबाद स्थित है और वहाँ के टीचर्स हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से एनुअल एग्जाम सर पर हैं, बच्चों के किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ गौरी शर्मा। हिंदी में बता दीजिए ज़्यादा। मैं सीनियर क्लासेस की मैथ्स टीचर हूँ। मैथ्स के लिए मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगी कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको करने के लिए आपको कम से कम घर पे बैठकर हर जो आपके सम है उनको रोज़ डेली बेस में करना चाहिए, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग या लर्निंग वर्क नहीं कर सकते, और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको थोड़ा थोड़ा करके उसकी को प्रिपेयर करना चाहिए। ये नहीं कि आपको जो लर्न नहीं हो रहा उसको छोड़ देना, अगर आपको लर्न नहीं होता है तो रिटर्न वर्क में उसको लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है, हम अपने स्कूल की तरफ से इस प्रिपेयरिंग को इस तरीके से करवाते हैं, पहले दो दो क्वेश्चंस करके बच्चों को देते हैं, अगर उनको लर्न नहीं हो पाता है तो उसको रोज़ डेली बेस में उनको समझाना और उसको एक पीरियड्स बच्चों को देना कि वो लर्न करें और उसको हमें सुनाएं और रिटर्न वर्क में दिखाएं। इससे क्या है, बच्चे को किसी सब्जेक्ट में अगर 4 भी क्वेश्चंस हैं तो उसमें कम से कम उन बच्चों को 2 क्वेश्चंस तो याद होंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको रोज डेली वेज में उनको रूटीन में लेना है। और बोर्ड एग्जाम के लिए हमको ये करना है कि जितना भी हमारे टीचर्स का जितना भी सहयोग है उसके लिए उनको एक्स्ट्रा कोचिंग देना है स्कूल के अंदर, मॉर्निंग में सुबह एक्स्ट्रा क्लासेस देना कि बच्चे अपनी अच्छी तरीके से प्रिपेयरिंग कर सकें और बच्चा जो है अपना अच्छी तरीके से पढ़ सकें। APS मॉडर्न स्कूल में क्या विशेषता है, क्यों यहाँ पर अभिभावक अपने बच्चे का एडमिशन कराए? मेन सर, साफ सफाई होती है। आपने देखा कोरोना काल में इतना बच्चों के संग ऊंच नीच हुई है, बच्चों के संग इतना मतलब पढ़ाई के संग भी हर चीज के साथ भी इतना हुआ है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमारे APS स्कूल में जो साफ सफाई जो है वो काफी ही बेटर तरीके से है। हमारे स्कूल में पानी की जो व्यवस्था है आरओ ही पानी के लिए है, आपका व्यवस्था जो है आरओ पानी है, लेकिन और स्कूल्स में हमने देखा है, हमने टीचिंग करी है अपनी लाइफ में 10 इयर्स का एक्सपीरियंस लिया है, उसमें हमने देखा है कि और स्कूल्स में टैंकर्स का पानी है, बच्चों के लिए आरओ की सुविधा नहीं है, बच्चों के लिए किसी भी चीज़ की लाइट्स की सुविधा नहीं है, वॉशरूम की सुविधा नहीं है, लेकिन यहाँ पे साफ सफाई का बहुत सबसे ज़्यादा ध्यान रखा गया है। मैडम आप बताएं, आप आइए, आपसे सवाल सीधा ये है कि शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जा सकता है? साथ खड़े हो जाएंगे सर, शिक्षा के स्तर परिचय के साथ। माई सेल्फ दीपा रावत और मैं APS स्कूल में टीचिंग करती हूँ, और जहाँ तक मेरा ओपिनियन है शिक्षा के स्तर को हमने ऊंचा कैसे करना है, तो सबसे पहले हमें स्कूल में टीचर्स की हायर एजुकेशन होनी चाहिए, क्वालिफाइड टीचर्स को रखना चाहिए स्कूल में, ताकि बच्चों का बेस मजबूत कर सके, बेस स्ट्रॉन्ग कर सके, और बच्चों को जब टीचर ही अच्छा मिलेगा तो बच्चों का बेस तो डेफिनेटली ही स्ट्रांग हो जाएगा। आप चाहते हैं कि शिक्षित और अच्छे क्वालिफाइड टीचर अगर होंगे किसी स्कूल में तो निश्चित तौर पे शिक्षा अच्छी जाएगी, अच्छी हो जाएगी। चलिए, कोई संदेश देना चाहेंगे आप लोग, कोई अपील करना चाहेंगे? अपील यही की जा सकती है कि टीचर्स और बच्चे और प्लस में उनके पेरेंट्स, अगर तीनों ही मिलकर कोशिश की जाए तो हमारे देश के बच्चों का अच्छे से अच्छा विकास हो जाएगा और उनका अच्छे से अच्छा ध्यान भी दिया जाएगा, तीनों तरफ से, पेरेंट्स, उनके टीचर्स, उनके और बच्चे, सपोर्ट, तीनों चीजों का सपोर्ट मिल जाएगा तो बच्चों का भविष्य बहुत ही उज्जवल हो जाएगा। अच्छा, आपसे एक सवाल और है, यौन शिक्षा को अगर पाठ्यक्रम में शामिल करना हो तो कौन सी क्लास से किया जाना चाहिए? सर, इस चीज को अगर हम लोग एजुकेशन में ले तो आई थिंक 5th क्लास से ऊपर, 6th to 12th ही बच्चों को एजुकेशन ये दी जानी चाहिए। अच्छा मैडम, आप दोनों से एक सवाल है कि आज की डेट में बाई चांस टीचर बनते हैं, बाई चॉइस टीचर बनते हैं ज्यादातर? नहीं सर, बाय चॉइस भी बनते हैं, लेकिन चांस भी होता है, टीचर्स का कहीं चांस भी हो जाता है तो वो बाय चांस भी टीचर्स हो ही जाता है, लेकिन चॉइस पे टीचर्स होने चाहिए, है ना? यस। देखिए, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। शुभ नाम क्या आपका? मेरा नाम गौरी शर्मा। गौरी शर्मा है हमारे साथ, शिक्षा विद, इन्होंने कहा है बाय चॉइस जो टीचर होगा वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकता है, बाय चॉइस टीचर जो होगा वो हो सकता है कि कम शिक्षा दे पाए, क्योंकि बाय चॉइस अपनी पसंद है, बाय चांस कि भाई मुझे कोई और काम नहीं मिला है तो मैं इस लाइन में आ गया। आप सीधे तौर पर APS मॉडर्न पब्लिक स्कूल जो कि पर्वतीय कॉलोनी फरीदाबाद स्थित है वहाँ से सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि एक दो क्लासेज और आप दिखा दें और अपनी क्लासेज के बारे में बताते रहें। मैम ये आप पकड़िए और बताते रहें, कैमरे के साथ साथ जाके ये पकड़िए, जाइए बताते रहें क्लासेज को। पहले तो क्लास को मैनेज करना पड़ेगा, इधर से क्लास को मैनेज कर। ये हमारी क्लास फर्स्ट है
जिसमें बच्चों को बैठने की सुविधा बहुत ही अच्छे तरीके से दी जाती है। आज ही हम लोगों ने बच्चों को मास्क वगैरह वियर करने के लिए बोल दिया है, ताकि समय की कंडीशन को देखते हुए। नेक्स्ट है हमारी यूकेजी क्लास, जिसमें सभी बच्चे बहुत ही अच्छे ढंग से बैठे हुए हैं और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी उनके लिए बैठने की हर चीज़ की फैसिलिटी बहुत ही अच्छी है। आगे लास्ट और ये है हमारी यूके प्री नर्सरी क्लास, जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं क्लास में, उनको मैम बहुत ही अच्छे तरीके से अपने हाथों से खाना खिलाते हुए, लंच टाइम है उनको प्ले करवाते हुए, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग बच्चों का ध्यान रखते हैं यहाँ पे।